वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने राबी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार करते हुए कहा कि पंजाब में ज़रई इलाका कम होता जा रहा है, लाहौर को बचाने के लिए राबी प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, अगर ये प्रोजेक्ट ना बना तो लाहौर का हाल कराची जैसा हो जाएगा। राबी मनसूबे में 60 लाख दरख्त लगाए जाएंगे, पानी को ट्रीट करके वापस दरिया में डाला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, पंजाब में एक बार फिर वसी पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पिछाड़ का फैसला, कारकर्दगी की बिना पर महकमों और इदारों के सरबराह तब्दील किए जाएंगे, सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और डीसी के भी तबादले होंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने ब्यूरोक्रेसी से वीडियो लिंक खिताब में सियासी दबाव के बगैर काम करने की हिदायत कर दी। बोले, मेरिट पर काम करें, आप पर कोई सियासी दबाव नहीं होगा, गरीब आदमी से हमदर्दी रखें, थाना कल्चर खत्म कर दें, हर उस अफसर के साथ हूं जो मेरिट पर काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आला पंजाब से सूबे की सियासी सूरत हाल, पार्टी उमूर, इत्तेहादी जमातों से मामलात और गुड गवर्नेंस पर बातचीत, वज़रा की कारकर्दगी, हाउसिंग प्रोजेक्ट, कोरोना वायरस के खिलाफ इकदाम पर भी तबादला किया। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुलाकात की। गवर्नर ने पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए आबे पाक अथॉरिटी के काम से आगाह किया। फैसलाबाद के अरकान कौमी असम्बली ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, कोरोना पर काबू पाने की कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया। पंजाब हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स को लाहौर अर्बन अथॉरिटी की तकरीब में जाने से रोक दिया। सेक्रेटरी खजाना पंजाब अब्दुल्ला सुंबल, सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी इरिगेशन कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम को पिंडाल में दाखिले की इजाजत नहीं मिली। सेक्रेटरी हाउसिंग नदीम महबूब को भी दाखिले की इजाजत न मिली। ब्यूरोक्रेट्स पिंडाल में दाखिले की इजाजत न मिलने पर वापस चले गए। हुकूमत पंजाब का कारनामा, लाहौर के बड़े नाम राबी प्रोजेक्ट में नजरअंदाज कर दिए गए। लाहौर के जमीनी हकायक से नावाकिफ, कराची के मेंबरान शामिल कर लिए गए। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे लाहौर पर शहरियों को मुश्किलात का सामना, सिटी ट्रैफिक पुलिस की आधे शहर की नफरी, वज़ीर-ए-आज़म के रूट पर तैनात रही। रूट पर से ट्रैफिक को रोके रखने से मुल्हिका इलाकों में शदीद ट्रैफिक का दबाव रहा, एम्बुलेंसेज भी फंसी रही। शराब का गैर कानूनी लाइसेंस जारी करने का इल्जाम, वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार का नैब में पेश होने का फैसला। वज़ीर-ए-इत्तला'आत पंजाब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आला नैब के सामने काबिले एहतराम अंदाज में पेश होंगे और तमाम सवालों के जवाब देंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मजबूत हैं, किसी प्रेशर में आने वाले नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की पीटीआई वफूद से गुफ्तगू, बोले, अवाम की खिदमत से बढ़कर हुकूमत की कोई तरजीह नहीं है। गुजार हुकूमत रिवायती सुस्ती की शिकार, विफाक की हिदायत पर अमल में ताकीद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तफरीही मकामात की याद से बहाली के ऐलान के बावजूद ट्रांसपोर्ट चली ना मेट्रो बस, सूबाई नोटिफिकेशन में ताखीर के सबब लाहौर म्यूजियम भी ना खोला जा सका, ऐलान पर अमल दरामद में ताखीर से शहरी मायूस। आइंदा हफ्ते मानसून जोरों पर, महकमे मौसमियात ने पूरे हफ्ते मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के इंतजामात, पंजाब पुलिस ने मौसम सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर मांग लिए। महकमे दाखिला को फिजाई निगरानी के लिए तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के लिए हेलीकॉप्टर की डिमांड कर दी। आटा बहरान मजीद संगीन, फ्लोर मिल्स की जानिब से सप्लाई में तातुल के बाद चक्की मालिकान ने भी हाथ खड़े कर दिए। आटे की कीमत दो रुपए इजाफे से 72 रुपए करने का ऐलान, आटा चक्की एसोसिएशन का मंडी में गंदम की ब्लैक मार्केटिंग का इल्जाम। महंगाई की नई लहर, पेपर मिल मालिकान ने भी कागज की कीमतें इजाफा कर दिया, 106 रुपए वाले कागज की कीमत 111 रुपए कर दी। किताबों और कॉपीज की कीमत में भी इजाफे की तैयारी, महंगाई के मारे शहरियों पर बच्चों के तालीमी बजट का बोझ बढ़ने का खदशा।
एक और महंगाई बम की तैयारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे की समरी मंजूरी के लिए काबीना को अरसा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे पर 15% ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ाने की तजवीज दे दी। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतों के नए रिकॉर्ड। 400 रुपए इजाफे से 24 कैरात की तोला सोना 1,32,000 का हो गया। 22 कैरात की कीमत 1,22,000 हो गई। पहले दूरी फिर नाराजगी और अब इंतकामी कार्रवाई। जहांगीर तरीन इमरान खान तालुकात का नया मोड़। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल को इजाफी पैदावार से रोक दिया। मिल इंतजामिया पर हुकूमती मंजूरी के बगैर क्रशिंग सलाहियत बढ़ाने का इल्जाम। 30 दिन के अंदर इजाफी मशीनरी बंद करने की हिदायत। जवाबदेही का नोटिस जारी। उधर JDW शुगर मिल्स का कहना है कि मिल्स को काम करने से रोके जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। JDW शुगर मिल्स ने DG इंडस्ट्रीज के 15 जुलाई के हुक्मनामे के खिलाफ मुतल्लिका अदालती फोरम पर अपील दायर कर रखी है। ने तरक्याती स्कीमों के बजट की मंजूरी दे दी। 1,18,00,000 रुपए से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अपग्रेडेशन की जाएगी। उधर कोरोना वायरस के सबब लेस्को की रिकवरी शदीद मुतासिर। नादा हिंदगान के जिम्मे वाजिबात में 4,52,00,000,000 का इजाफा। मजमूई जारी वाजिबात 14,55,00,000 हो गए। पंजाब का माली बहरान। खसूसी बच्चों के स्कूल निजी शोबे की शराकत से चलाने का मंसूबा ड्रॉप करने की तैयारी। महकमे स्पेशल एजुकेशन ने मंसूबा खत्म करने की समरी वजीर आला को अरसाल कर दी। महकमे एक्साइज का करप्शन रोकने के लिए अहम इकदाम। महकमा एक्साइज अब शहरियों से टोकन टैक्स की रकम वसूल नहीं करेगा। शहरी टोकन टैक्स की रकम ऑनलाइन या बैंक में जमा करवाएंगे। सेक्रेटरी एक्साइज ने तमाम डायरेक्टर्स को 10 अगस्त से 1000 सीसी से ऊपर कमर्शियल गाड़ियों से कैश वसूली से रोक दिया। और खेलों की सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान होते ही LCCA ग्राउंड की रौनकें बहाल हो गईं। नौजवान क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद LCCA ग्राउंड पहुंच गई। नौजवान क्रिकेटर्स मैदान खुलने पर खुशी से खेल उठे।